माइनक्राफ्ट, बट आज मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ नई नई स्प्रिंट्स को जो कि मुझे अलग अलग टाइप की पावर देंगी, एंड इन पावर्स का यूज करके आज मैं मारने वाला हूँ एंडर ड्रैगन को। बट एंडर ड्रैगन को मारने से पहले मेरे को भूख लग रही है, तो मैं सबसे पहली स्प्रिंट बनाने वाला हूँ अभी, जिसका नाम है पोटैटो स्प्रिंट। और मेरे को मेरे पीछे इनकी फसल दिख रही है जिसे मैं अभी अभी खराब करने वाला हूँ। टंटड़ा टड़ा टड़ा टंटड़ा टड़ा टड़ा, ओके थैंक यू। खराब ही कहीं का। तो अभी मेरे को थोड़ी सी वुड सोर लगेंगे, तो मैं जल्दी से वुड ले लेता हूँ। टन 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 टन, थोड़ी सी भैंसे। और अब मैं बना सकता हूँ अपनी पोटैटो स्प्रिंट। अब मुझे चल चल के पोटैटो मिलेंगे, मुझे कहीं भी खाना ढूंढने की जरूरत नहीं है। और हम एंड में बना सकते हैं लेजर स्प्रिंट जो कि बहुत ज्यादा तगड़ी होगी, बट उससे पहले हम अभी जंप स्प्रिंट बनाएंगे। यस गाइस, जंप स्प्रिंट बनाएंगे। और मुझे अभी बहुत सारी स्प्रिंट बनानी है, जिसके लिए मुझे बहुत सारे लेदर बूट्स चाहिए, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा बेरहम होना पड़ेगा और मारना पड़ेगा सारी। और मैंने कुछ सीढ़ियां भी बना ली है, और अब मैं बना सकता हूँ अपनी जंप स्प्रिंट। तो इधर है स्प्रिंटिंग इंक्रीज जंप बूस्ट, इसका मतलब मैं जब जैसे जैसे स्प्रिंट करता जाऊंगा वैसे वैसे मेरी जो जंप है वो हाई होती जाएगी। और गाइस, मेरे खरगोश जैसे कान आ गए हैं। हाँ, खरगोश ही तो है जो ऊंची जंप मारता है, तो उसके जैसे कान तो बनते ही है। और गाइस, एक बार देखो मैं कितनी ज्यादा हाई जंप कर पा रहा हूँ। बट यार, मेरा जो फार्मर वाला जूता था वो चला गया। गाइस एक सेकंड, मेरे को बनाना है। ओके, मेरा स्वैप स्प्रिंट बन गया। अब मैं है ना स्प्रिंट्स के बीच में स्वैप कर सकता हूँ। यस गाइस, मैं अपनी स्प्रिंट जो है उसको स्वैप कर सकता हूँ इससे, जो कि मस्त है। अभी मेरे को बनानी है अगली स्प्रिंट, जिसका नाम है हीलिंग स्प्रिंट। और अगर मेरे को वो मिल जाती है तो इसका मतलब है कि मैं अनलिमिटेड हेल्थ का मालिक हो जाऊंगा। और उसके लिए मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मुझको बस चाहिए आयरन के बूट्स एंड थोड़ा सा बोन मील। तो बोन मील तो आएगा मेरे पास जो पोटैटो वाली स्प्रिंट थी उससे, क्या मैं बोन मील ले सकता हूँ? टिन 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 टिन। अरे हाँ गाइस, मेरे को इससे बोन मील मिल सकती है। ये मुझे बोन मील दे रहा है, मुझे पता था ये जो पोटैटो है किसी काम तो आएंगे। और अभी गाइस, मेरे को थोड़ा सा आयरन चाहिए ताकि मैं आयरन के बूट्स बना पाऊँ। अरे आयरन बॉय, व्हाट आर यू डूइंग हियर ब्रो? गाइस, मुझे लग रहा है ये फंस चुका है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और मैंने स्टोन के टूल्स बना लिए ताकि मैं इसकी मदद कर पाऊं। मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ गाइस, लेट मी गिव यू अ हैंड माय सन, ये लो। ओके ओके, जल्दी मेरे पीछे आ जा, मेरे को इसको पेलना पड़ेगा। गाइस, मैं अच्छा इंसान हूँ पर मेरे को आयरन भी चाहिए, समझे इस चीज को। ओके, ये आ गया 1 2 3 4, और मेरे को मिल चुका है आयरन, प्यारा, बहुत ही प्यारा आयरन, जिससे मैं बना सकता हूँ अपना नेक्स्ट स्प्रिंट। ओके, मुझे एक फर्नेस चाहिए जिससे मैं अपनी कुकिंग स्किल्स को अपग्रेड कर पाऊँ और कुक कर पाऊँ। यस गाइस, मुझे अभी एक और सामान लगेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसी का घर तोड़ देता हूँ बाजू वाले का। आई एम बोरोइंग सम स्टोन्स। ओके, ये हो गया, फर्नेस बन गई, एंड जो मुझे पकाना था वो पक गया। अब मैं बना सकता हूँ अपनी हीलिंग स्प्रिंट गाइस, एंड हमारी हीलिंग स्प्रिंट बन गई गाइस, जो कि मस्त लग रही है एकदम। और ये हमें दे रही है हीलिंग इफेक्ट, और मेरी हीलिंग भी अभी कम है, और मेरे पास हर्ट भी आ गए हैं ज्यादा। अगर मैं रन करूंगा तो मेरे को, ओके गाइस, अगर मैं रन करता हूँ तो मैं हील हो जाऊंगा। वाओ, सो गुड। तो इसका मतलब है मेरे पास अब अनलिमिटेड हील है। और अभी मुझे अगली स्प्रिंट क्राफ्ट करनी है, तो उसके लिए भी मुझे सामान लगेगा, तो वो वाला सामान भी इकट्ठा करने चलते हैं हम। एक सेकंड गाइस, ये कौन है? हेलो माय लिटिल फ्रेंड। अरे गाइस, ये तो जॉगर है और मैं भी स्प्रिंटर हूँ, इसका मतलब हम दोनों का कोई कनेक्शन है गाइस। पर गाइस, मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से मैंने वो कनेक्शन तोड़ दिया। एट लीस्ट आई एम नॉट दैट बैड गाइस। और मैंने अभी अभी एक को मारा और दूसरा उसके पीछे आ रहा है, जिसका नाम है अनडेड जॉगर। मैं अपने प्यारी तलवार से तेरे को मारूंगा, रुक जा। ये ले लाफा। ओह, नाउ शो मी हाउ यू डाई। वैसे मैं कहां पर था? हाँ, हमें अपनी अगली स्प्रिंट बनानी है गाइस, जिसका नाम है मोमेंटम स्प्रिंट। और उसके लिए मुझे सबसे पहले बनाने होंगे एक पेयर आयरन बूट का और दो पेयर लेदर बूट्स के, तो एक और एक दो। और अब मुझे यहाँ पे आयरन के बूट रखने हैं, यहाँ पे अपने लेदर के, और यहाँ पे फेदर्स रखने हैं, और बन चुका है मेरा मोमेंटम स्प्रिंट गाइस। और गाइस, मेरे सर पे देखो गेयर्स आ चुके हैं, मतलब मोमेंटम बोला तो मतलब मेरे सर पे गेयर डाल दोगे, क्या हद होती है भाई। गाइस देखो मेरी स्पीड कितनी ज्यादा तेज हो गई है। ओके, तो जैसे जैसे मैं स्प्रिंट करूंगा मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी। ओके, ये हमको काम आएगा आगे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा आगे जाना है, बहुत सारी चीजें ढूंढनी है। गाइस देखो, क्या मैं पानी पे चल सकता? नहीं, पानी पे नहीं चल सकता है गाइस मैं। और गाइस, मैं अगले स्प्रिंट के लिए एक्चुअली बनाने के लिए सोच रहा हूँ कि मैं ना
TNT स्प्रिंट बनाऊं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मस्त होने वाली है। बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ क्यों ना थोड़ा सा जो अपना आयरन एंड जो डायमंड है वो इकट्ठे कर लिए जाए, कोई भरोसा नहीं कब कौन सा खतरा आ जाए, इसलिए हम सबसे पहले बनाने वाले हैं एक रैम स्प्रिंट। तो मैं जल्दी से बना देता हूँ, वो बहुत ज्यादा ईजी है, हमें बस थोड़ी सी तलवार और थोड़ी सी वुल लगेगी जो मैं अभी इकट्ठी करूंगा। ये रैम स्प्रिंट बन जानी चाहिए और गाइस बन चुकी है हमारी रैम स्प्रिंट और मेरे सर पे आ चुके हैं सींग छोटे वाले। मैं किसको रैम कर सकता हूँ देखते हैं, यहाँ पे कोई है? ओके गाइस सामने मेरे को एक शिकार नजर आ रहा है, इसको रैम करके देखते हैं और मैं जल्दी से भक्के जाता हूँ। और ये ले, ओ गाइस देखो मैंने इसे कितनी ऊपर फेंका, ओ भाई मस्त चीज है। रुको रुको रुको, और ट्राई करता हूँ, इस पर ट्राई करता हूँ, भगते हुए जाते हैं और ये ले, लोल भाई कितनी ऊपर कूद गई है। गाइस इस स्प्रिंट से तो कोई भी मेरे, ओ भाई उसे कहाँ पहुंचा दिया मैंने, तू भी जा। ओ भाई मस्त चीज है यार ये, तो मैं बिना डरे जा सकता हूँ सामान कलेक्ट करने, कोई आएगा तो उसे रैम रैम कर देंगे। ओ ये आवाज कैसी आई? ओके जब मैं भागता हूँ तो आवाज भी आती है गोट की, ये ले। ओ भाई मस्त है यार, ओ मैंने इसे मार दिया, सॉरी गाइस। तो गाइस मेरे को जो अगला स्प्रिंट चाहिए उसका नाम है माइनिंग स्प्रिंट, बट उसके लिए मेरे को डायमंड्स लगेंगे। बट मुझे पता है अगर मुझे वो मिल जाती है तो मेरे को बाकी जो डायमंड ढूंढेंगे वो ढूंढना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, तो ये मस्त चीज रहेगी। तो मैं डायमंड ढूंढूंगा बट उससे पहले थोड़ा बहुत आयरन वगैरह इकट्ठा करते हैं, तो चलते हैं जल्दी से। गाइस देखो मेरे को क्या मिला, मेरे को एक चेस्ट मिली एंड आई प्रे के इसके, ओके वो नीचे आ गया मैं। ओके गाइस यहाँ पे आयरन है, मेरे को आयरन तो चाहिए ही। ओ गाइस ये क्या है, डायमंड, वो तो क्या छुपा के रखा था भाई, अगर मैं नहीं देखता तो ये गया था। ओके एक डायमंड मिल गया, बस चार और, जो हमारा माइनिंग स्प्रिंट है वो रेडी हो जाएगा। ओ गाइस आई फाउंड सम डायमंड्स और मुझे दो और डायमंड मिल चुके हैं, बस थोड़े से और बाकी हमारा काम हो जाएगा। ओके गाइस यहाँ पर एक चेस्ट है और इसके अंदर है के दो डायमंड है गाइस इसके अंदर, और मेरा डायमंड ढूंढना पूरा हो चुका है और अभी मैं जाके बना सकता हूँ अपना माइनिंग स्प्रिंट जिससे मैं माइनिंग करूंगा और डायमंड निकालूंगा। वी आर डन गाइस, हमारी माइनिंग स्प्रिंट बन चुकी है और अब हम कर सकते हैं भाग भाग के माइन। और गाइस अभी इसको चेक करने का समय, पर ये क्या मेरे सर पे ये क्या लगा हुआ है भाई, मेरे सर पे इन्होंने कुल्हाड़ी डाल दी है। तो अभी मैं माइनिंग स्प्रिंट से जहां भी जाकर भागूंगा उधर से खुदाई हो जाएगी बहुत ज्यादा अच्छी वाली। तो अभी हम यही करने वाले हैं और जल्दी से इकट्ठे करेंगे बहुत सारे डायमंड्स। ये वाली जगह मुझे सही लग रही है एंड नाउ आई एम स्प्रिंटिंग। ओके क्या हो रहा है, सच में मैं जहां भी भाग रहा हूँ वहां पर सब कुछ टूट जा रहा है गाइज, मस्त माइनिंग स्किल है ये। तो अभी सब कुछ तोड़ के बहुत सारा सामान इकट्ठा करता हूँ, पर यहाँ फ्लिंटे फ्लिंट नजर आ रहा है। लेट्स गो गाइज थोड़ा डीप जाते हैं एंड नाउ आई विल स्टार्ट रैमिंग। तो मैं इधर से माइनिंग करना स्टार्ट करता हूँ। यार मैं इतनी देर से खोद रहा हूँ बट अब तक मुझे समझ नहीं आया मुझे डायमंड्स क्यों नहीं मिले। एक सेकंड रुको मैं देख लूं, क्या पता आजू बाजू को, अरे मैंने नोटिस ही नहीं करा मेरे बाजू में डायमंड पड़े थे, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ डायमंड है। ओके गाइज तो अभी मैं रैम करूंगा ताकि मैं देख पाऊँ मेरे कितने डायमंड हो रहे हैं। लेट्स गो, चार है मेरे पास अभी। ओके ओके बाजू डायमंड थे, ओ गाइस चार पांच डायमंड 12 हो गए, अब मैं बहुत खुश हूँ गाइस। और अब मैं जाने वाला हूँ जल्दी से डेजर्ट टेम्पल ढूंढने, कि गाइस आई फाइंड डेजर्ट टेम्पल जो कि धरती के अंदर घुसा हुआ है, जो कि नजर भी नहीं आ रहा था, बहुत मुश्किल से मिला है। तो अभी हम जल्दी से इसके अंदर जाते हैं और अभी मैं इधर से जल्दी से TNT उठाऊंगा सारे और अभी हम जाएंगे बाहर और जल्दी से बनाएंगे अपना TNT स्प्रिंट। और हमारा TNT स्प्रिंट बन चुका है और गाइस मेरा हेड जो है वो TNT बन चुका है, वाओ। और जैसे जैसे मैं, गाइस देखो मेरे पीछे TNT डिस्ट्रक्शन, भाई क्या हो रहा है ये, गाइस ये तो बहुत ज्यादा ओपी है, इसने तो पूरे गड्ढे खोद दिए, मस्त गाइस। अभी मैं अपनी अगली स्प्रिंट बनाने वाला हूँ जिसके लिए मुझे थोड़ा सा गोल्ड लगेगा, गोल्ड मेरे पास है तो फर्नेस का यूज करके जल्दी से गोल्ड को पिघला लेते हैं गाइस। और गोल्ड पिघल चुका है, अब हमें जल्दी से रेसिपी यूज करनी है एंड हम जैसे जैसे ये रखेंगे बन चुकी है हमारी गोल्डन स्प्रिंट गाइस और मेरा चेहरा गोल्ड का हो गया, लॉल। गाइस देखो मेरे नीचे गोल्ड आ रखा है और जैसे जैसे मैं स्प्रिंट कर रहा हूँ जहां जहां मैं चल रहा हूँ सब जगह गोल्ड हो जा रहा है गाइस। सो आई एम रिच और मैं सब जगह गोल्ड ही गोल्ड कर सकता हूँ, क्या करूं इस पूरी जगह को गोल्डन विला बना दूं। नहीं ये नहीं करते, अभी सारा गोल्ड उठा लूंगा और ये गोल्ड उठा के मैं जाने वाला हूँ नेदर में, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी सी ट्रेडिंग वगैरह करनी है, तो जल्दी से नेदर चलते हैं। हाँ गाइस मैं बस कह ही रहा था मेरे सामने रुइन पोर्टल है, ओ मा कू तुरुलप, ये पूरा हो बस मुझे ये चाहिए और कुछ नहीं। और इसकी चेस्ट जो इसके पास है जंपिंग जपांग। ओके गाइस मैं आ गया, थोड़े से हर्ट खा गया बट मैं आ गया। के जल्दी से इसकी चेस्ट देखते हैं, चेस्ट है यहाँ पे और ये लगभग लगभग पूरा ही है भाई।
ओ गाइस इधर दो ऑब्सीडियन भी हैं, क्या ये पूरा होएगा? लेट मी चेक। तो मैंने एक यहाँ रखा एंड एक यहाँ रखा, गाइस ये पूरा हो गया। वाओ सो नाइस गाइस। एंड फ्लिंट वगैरह मेरे को बहुत मिला था, तो अभी मैं जल्दी से फ्लिंट एंड स्टील बनाऊंगा। फ्लिंट ये रहा एंड फ्लिंट एंड स्टील रेडी है, एंड अब हम चल सकते हैं जल्दी से नेदर में। और सोल्स एंड सोल सॉइल मेरे पास ही है, तो उसको भी मैं उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा आगे और स्प्रिंट के लिए यूज होने वाला है। गिव मी योर प्लेस रॉड यू आग बबूला सिंह। ओ गाइस नहीं 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 नहीं, हीलिंग 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 हील हील हील, स्प्रिंट स्प्रिंट स्प्रिंट, आई कैन हील फास्टर, आई कैन जंप फास्टर। ओके गाइस मैं हील हो गया हूँ। और ये मेरे को बार बार मार रहे हैं यार, बहुत गलत बात है। जल्दी से मेरे को अपनी ब्लेज रॉड दो, मुझे यहाँ से जाना है भाई। ओके गाइस मेरे पास काफी ब्लेज रॉड हो चुकी है और अभी मेरे को और नहीं चाहिए, तो मेरे को अभी जल्दी से ट्रेडिंग करनी है कि कुछ सुअरों से। और आई गेस मेरे को 20 साल हो गए हैं इधर ट्रेडिंग करते करते, एंड मुझे जो इतना भी कुछ चाहिए था सब कुछ मिल चुका है। बस मुझे एक काम करना है जो कि है इनको मौत के घात उतारना। प्यारे प्लम्बी ने सब कुछ कर दिया, अब हम जल्दी से चलने वाले हैं अपने घर। बट उससे पहले मेरे को एक काम है, अपनी एक स्प्रिंट यहीं बना के चेक कर लूं। एडम मेरे को अपनी दो ब्लेज रॉड यहाँ रखनी है, चलिए सोल सैंड यहाँ रखनी है, और बन चुकी है गाइस हमारी फायर स्प्रिंट। तो गाइस लेट्स चेक ये क्या करती है। और मैंने अभी स्प्रिंटिंग करी एंड कुछ नहीं हुआ भाई। क्या पोपट पोपट बना रहे हो मेरा, पोपट बना रहे हो? ओ गाइस मेरे में आग लग गई। ओ अरे नहीं नहीं मैं जल नहीं रहा। अरे गाइस मैं जल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब मैं स्प्रिंट मचा के आग लगा सकता हूँ बट मैं जलूंगा नहीं, इसका मतलब मैं बन चुका हूँ अग्नि। आग से रिश्ता है कुछ मेरा, मुझे आग से कुछ नहीं होता। ओके गाइस अभी हम वापस चलते हैं अपने घर, वापस चलते हैं। और मैं घर आ गया हूँ, अब मेरे को एक और स्प्रिंट बनानी है जिसका नाम है विदर स्प्रिंट। उसके लिए मेरे पास जितना भी सामान चाहिए सारा सामान है, तो जल्दी से इसे बना लेते हैं। और मुझे लगेंगे ये कोल, एक डायमंड के बूट्स, और बन चुकी है हमारी विदर स्प्रिंट। ओके गाइस जिधर जिधर मैं चल रहा हूँ ना, उस सारी जगह के है ना ब्लॉक्स जो है वो खत्म हो जा रहे हैं। और देखो गाइस मैं विदर का मास्क पहन चुका हूँ, एकदम विदर लग रहा हूँ मैं। बट ये तो ठीक है, अभी हम अपनी अगली स्प्रिंट बनाएंगे जिसके लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो अभी मैं इसको बनाने वाला हूँ और मेरे पास सारा सामान है लकीली। एंडर पर्ल यहाँ लगाऊंगा एंड बन चुकी है हमारी एयर स्प्रिंट। गाइस जैसे ही मैं स्प्रिंट करूंगा तो मैं हवा में उड़ने लगूंगा। गाइस देखो क्या मस्त स्प्रिंट है, आई कैन रन ऑन एयर या फिर आई कैन रन इनसाइड एयर। दोनों में फर्क ही क्या है, मैं एयर पे चल सकता हूँ गाइस। ओके गाइस तो हमारे पास एयर स्प्रिंट भी है, बट सबसे ज्यादा डेंजरस सबसे ज्यादा बेस्ट स्प्रिंट अभी तक बनानी बाकी है जिसका नाम है लेजर स्प्रिंट। और उसको बनाने के लिए हमें एंड में जाना पड़ेगा, और एंड में मुझे जाना भी है उस काले चमगादड़ को मारने। सो जल्दी से एंड में चलते हैं, सामान हमारे पास सारा है। सो लेट्स गो गाइस। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मेरे को यहाँ पे बता रहा था कहीं के कहाँ गया। ओके गाइस इधर मुझे यहाँ पे डिग डाउन करना है और लेट्स डिग डाउन। ओके गाइस मैं इधर आ चुका हूँ और मेरे को मिल चुका है द पोर्टल टू एंड। ओके इसे तोड़ देते हैं जल्दी से और जल्दी से चलते हैं एंड में। ओके गाइस मैं एंड में आ चुका हूं और अब मैं करने वाला हूं, रुक जाओ पहले इधर मेरे को ये बना ले दो लेजर स्प्रिंट। वाह गाइस देखो मेरा फेस, देखो कितना यार डेंजरस लग रहा हूं मैं। नाउ आई कैन बीट द ड्रैगन विद माय पावर, लेट्स गो। अपनी एयर स्प्रिंट का यूज करके इसकी चट्टी फाड़ने का समय आ गया है, मर के दिखा। यू कांट विन, यू आर सो मच लूजर लूजर। इसकी हेल्थ जा रही है, ये मरेगा गाइस देखना। ओके गाइस मैं इसे मारने वाला हूँ, मोमेंटम रैम सब कुछ यूज करूंगा, माइनिंग स्प्रिंट सब कुछ यूज करूंगा। इसकी आधी हेल्थ चली गई बस थोड़ा सा और। ओ नहीं इसने मेरे को उड़ा दिया एयर एयर। ओके बच गया, अभी मैं मरने वाला था भाई। ओके आखिरी में मैं इसके ऊपर है टीएनटी स्प्रिंट यूज करूंगा। ओके मैं अरे नहीं नहीं हुआ, और नहीं 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 हीलिंग हीलिंग हीलिंग। ओके जल्दी से चलते हैं इसके पास और अभी टीएनटी स्प्रिंट लगाते हैं अपनी। वन टू वन टू वन, और नहीं 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 फेंक दिया। अरे गाइस ये मर गया, गाइस जिसे मैंने मार दिया वो भी अपनी जॉ लाइन के बलबूते पे। आई एम सो प्रो, मस्त लग रहा हूँ ना लॉल।